सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हर्षित शर्मा टेक्निकल म्यूजिक। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रीज फंक्शन के बारे में कि फ्रीज फंक्शन को कैसे ऑपरेट करें। काफी लोगों का डाउट था, तो जस्ट उसी के लिए कि मैं वीडियो बना रहा हूँ छोटा सा डाउट क्लियर करने के लिए। फ्रीज का फंक्शन इन्होंने बाहर दे दिया, हम प्रेस करते हैं तो वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता? किन लोगों ने तो कंप्लेन कर दी जी की बॉडी खराब है। तो यार दिमाग लगाओ हल्का सा, और कोई बात नहीं है। जिनको आता है फंक्शन ये वाला यूज करना तो वेल एंड गुड, मेरा जस्ट काम है ट्यूटोरियल डालना। और फ्रेंड, आज की जो वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं ज्यादातर वीडियो में लोग मुझसे पूछ रहे हैं, आप बार बार इतने क्या बोलते हैं कि आप 17 स्टेप आगे जाएंगे तो ये चीज आ जाएगी, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, इस वीडियो में मैं बोलूंगा। बिकॉज यार एक्चुअली क्या है, मेरे को कमेंट आता है जो विजुअली इम्पेयर्ड है यार, जो आईज से नहीं देख पाते, जिनकी आईज वीक है, तो उनके लिए मैं ये बोलता हूँ ताकि वो भी टोन एडिट कर लें। फिर उनके मेरे को बहुत अच्छे विशेष मिलते हैं, कमेंट्स आते हैं और बताते हैं कि हम बहुत आसानी से एडिट कर लेते हैं टोन, आप क्लियर बोलते हैं एकदम, तो आप स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं, हम बिल्कुल समझ जाते हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, आप सबका प्यार है, ऐसे सपोर्ट करते रहें। तो चलिए आज हम सीखेंगे फ्रीज फंक्शन के बारे में। स्क्रीन को कर रहा हूं जूम, तो बने रहे वीडियो के साथ। सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर स्क्रीन क्लियरली विजिबल हो रही होगी। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है। देखो सबसे पहले रिदम का बटन प्रेस करना है, रिदम जहां आपको दिया हुआ है स्क्रीन के नीचे, कैटेगरी दी है पहले बटन पे, कैटेगरी के बाद टोन, टोन के बाद रिदम दे दी। रिदम को आप प्रेस करो और वहां से 171 की पैड से भांगड़ा की रिदम ले लो, ठीक है। और एक अपना टेम्पो सेट कर लो, मैंने 90 सेट कर लिया कि अब चेक करेंगे कि हम फ्रीज का बटन काम कैसे करेगा। टेम्पो 90 रख लो, भांगड़ा वाली रिदम ले लो एग्जाम्पल के लिए, उसके बाद फंक्शन को प्रेस करेंगे। फंक्शन को प्रेस करने के बाद कितने स्टेप बाद वो फंक्शन आएगा मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पे जैसे ही पे मैं आता हूं तो वहां पे ऑप्शन आता है REGMEM। 3 नंबर से 16 बार 3 नंबर को आप प्रेस करोगे तो REGMEM आता है। जो मेरे विजुअली इंपेयर्ड है वो समझ जाएंगे वो इजिली कि 16 नंबर उनको 3 बार प्रेस करना पड़ेगा, तो REGM आ जाएगा ऑप्शन REGMEM, उसमें हम करेंगे एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे आपने कुछ नहीं छेड़ना, जस्ट आपने क्या करना है दोबारा से एंटर का बटन दबाना है, वहां पे जो ऑप्शन आ रहा है उसी के अंदर एंटर करना है। तो मैं 6 नंबर को दोबारा यहाँ पे दबा दूंगा। सबसे पहला बात आएगी यहाँ पे रिदम ऑफ या ऑन, तो आपने रिदम ऑन करना है ताकि फ्रीज का बटन दबाएं तो हम रिदम कोई भी चेंज करें, रिदम मतलब कि अगर हमने एक भांगड़ा की रिदम ले ली और हम बैंक चेंज करें तो रिदम हमारी चेंज ना हो, उसके लिए हम रिदम हमने करी ऑन। उसके बाद 3 नंबर से आगे जाएंगे, टेम्पो भी आपको यहाँ पे ऑन करना है। अगर आप टेम्पो ऑफ करोगे और बैंक चेंज करोगे, रिदम बेशक वही रहेगी बट उसका टेम्पो चेंज नहीं होगा, तो आपने टेम्पो ऑन रखना है। टोन ऑफ ही रहने दीजिए, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। स्प्लिट पॉइंट ऑन रखिए, बिकॉज क्या होता है आपने स्प्लिट पॉइंट अपने कीबोर्ड का मान लीजिए लोअर ऑक्टेव में चौथा काला रख लिया, अब आपने बैंक चेंज करा तो 5वें काले में चला जाता है, तो स्प्लिट पॉइंट ऑन रखिए, वो चौथा काला ही रहेगा आपका स्प्लिट पॉइंट हमेशा। ट्रांसपोज ऑन रखेंगे, ट्रांस भी ये चीज है फ्रेंड, ट्रांसपोर्ट यहां से ऑफ था तो फ्रीज का बटन काम नहीं कर रहा था, अब ट्रांसपोज ऑन हो गया ना तो वही काम करेगा। अगर मैं चौथे काले पे 5वां काला ले लेता हूं और ट्रांसपोज ऑन कर देता हूं तो मैं कोई भी बैंक चेंज कर लूंगा तो मेरे चौथे काले पे 5वां काले वाला स्केल ही बजेगा फ्रेंड्स। समझ जाइए कि जैसे आप सी बजा रहे हो और अगर आपको सी से ऊपर वाले बजाना है, मतलब सी के ऊपर हमारा पहला काला, या उसको बोल देते हैं हम इंग्लिश में सी शार्प, तो मेरा सी पे सी शार्प बजेगा अगर मैं ट्रांसपोज यहां से ऑन कर देता हूं। तो बात समझने की कोशिश करो, स्केल ऑफ ऑन इसको ऑफ ही रहने दीजिए, टच ऑन हाँ देखो टच ऑफ ऑन, अगर आप टच यहाँ पे इसका ऑन कर देते तो फ्रीज का बटन दबा दोगे तो टच आपको हमेशा के लिए ऑन रहेगा। इफेक्ट ऑन रखिए, यहाँ पे अपना इफेक्ट ऑफ होगा तो इफेक्ट ऑन रखना। पार्ट ट्यून ये चीजें आ रही है, फ्रेज पैड कंट्रोलर रिदम ये चीजें आएंगी। बस आपने जो जो सेटिंग करनी थी मैंने आपको बता दी, मेन जस्ट यहाँ से आप एग्जिट कर दीजिए और बस। अब देखिए फ्रेंड इसका ट्यूटोरियल क्या होता है। यहाँ से मैंने रिदम चूज कर लिया भांगड़ा में, फ्रीज ऑन कर देता हूँ और यहाँ से रिदम प्ले करता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे टोन भी चेंज कर लिए, रिदम भी चेंज कर ली, टेम्पो भी मेरा उतना रहा, फ्रीज का बटन दबा दिया तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। कितना इजी सेटअप हो जाता है फ्रेंड्स, हमें बार बार अपने बैंक में चीज नहीं सेव करनी चाहती। बहुत ही अच्छा अपडेट CTX का, बहुत ही बढ़िया। और अब यहां से ट्रांसपोज भी चेंज करके देख लेना फ्रेंड, ट्रांसपोज चेंज कर लोगे आप तब भी कहोगे हाँ यार तो वही ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज भी चेंज नहीं हुआ हमारा। काफी अच्छा फंक्शन लाइव प्रोग्राम वालों के लिए, बहुत ही बढ़िया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करके बता देना यार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।